हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकते ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइज, अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में मेरी डीपी लगाकर आपको व्हाट्सएप नंबर देकर बोलता है प्लीज व्हाट्सएप करें, समाधान होगा आपकी परेशानियों का, वो गाइस मेरा नंबर नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग्स को प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करती हूँ, वो सारे फेक लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, स्कैमर्स हैं। प्लीज आप ऐसे लोगों से अवेयर रहें, ठीक है? ऐसे लोगों को अपना नंबर ना दें, ऐसे लोगों का व्हाट्सएप पर रिप्लाई ना करें, ये सिर्फ आपसे मनी की डिमांड करेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। आज गाइस हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आप पर कौन है जो नजर रख रहा है, कोई नजर रख भी रहा है या नहीं, अगर हाँ तो फिर वो कौन है, ठीक है? लेट सी वो कौन पर्सन है जो आप पर नजर रख रहे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है, देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ठीक है? टावर, पहला कार्ड टावर का आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर अर्काना। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, कौन है वो जो मेरे व्यूअर्स पर नजर रख रहा है, ठीक है? ये आ रहा है एम्परर। ओहो, कौन है एंजल्स, प्लीज बताइए कौन है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स पर नजर रख रहा है। जजमेंट गाइज, आप देख रहे हैं चार बड़े कार्ड अनफोल्ड हुए हैं और चारों के चारों मेजर अर्काना। एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर से मेजर अर्काना, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, डेविल। नाइन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, फिर से मेजर अर्काना, नीचे की रो में भी दो मेजर अर्काना, फिर से मेजर अर्काना। आज तो गाइस जबरदस्त रीडिंग हो गई है, तो ठीक है, इतने सारे मेजर अर्काना एक रीडिंग में, मैंने कितने कार्ड्स निकाले, 12, ठीक है, 1 2 3 4 5, यस 12 कार्ड्स निकाले हैं, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ मेजर अर्काना आए हैं। अमेजिंग, मतलब ये रीडिंग तो बहुत झकास होने वाली है, ठीक है? तो गाइस सुनिए फिर आप, ओके, और फिर जब आपको पसंद आए अगर रीडिंग तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ठीक है? उससे मुझे पता चलता है कि आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट कर रही है और अच्छा फील होता है गाइस, ठीक है? जब आप कुछ काम कर रहे होते हो तो मजा आता है सुनने में भी, ठीक है? मैं आपको रीडिंग सुनाती हूँ और फिर मैं आपके कमेंट सुनती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ। ओके सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है गाइस, ठीक है? एम्परर का कार्ड आया सबसे पहला, ठीक है? ये एक ऐसे इंसान है जो जो गाइज यहाँ पर आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत रूड है, ठीक है? ये आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आप पर नजर रख रहा है, जो आपको ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये बहुत रूड है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है? अपनी लाइफ में बहुत कामयाबी इसने ऑलरेडी हासिल कर रखी है,
या फिर बहुत कामयाब ये होना चाहता है, ठीक है, होना चाहते हैं, आपसे एज में ये बड़े हो सकते हैं गाइस, ठीक है, काफी मैच्योर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, मैच्योरिटी काफी ज्यादा है इनके अंदर, बहुत समझदारी से ये बात करते हैं, कम बोलते हैं आई गेस, ठीक है, एक्सप्रेस करने में भी बहुत कम है, ज्यादातर टाइम चुप रहना पसंद करते हैं और यू नो अपनी बातों को हाइड करते हैं, ठीक है, छुपाते हैं ज्यादा, जैसे मैंने कहा ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, छुपाने की कोशिश करते हैं बातों को, और इनके अंदर ऐसा भी रहता है एक तरीके से कि कोई जान ना ले कि इनके मन में क्या है, ठीक है, ये इस तरीके के इंसान है कि अपनी मन की बात जल्दी किसी को पढ़ने नहीं देते, यानी कि जल्दी किसी को अपने पास में नहीं आने देते, ठीक है, इनके पास में वही इंसान जाकर इनको समझ सकता है जिसको ये परमिशन देंगे, ठीक है, कोई भी ऐसा भी इंसान इनके पास में जाकर इनको नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि ये अपने आप को पढ़ने की इजाजत सबको नहीं देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनको कोई पढ़े या फिर इनको कोई अंदर तक समझे या फिर कोई इनको कमजोर समझे या फिर इनको कोई नरम दिल समझे, ठीक है, ये कठोर बनकर रहते हैं, स्ट्रांग बनकर रहते हैं, रूड बनकर रहते हैं और इसी तरीके से ये रहना पसंद करते हैं। ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में कोई है गाइस, तो वही पर्सन है जो आप पर नजर रख रहा है, ठीक है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। डेविल का कार्ड ये दिखा रहा है कि उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ये पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, आपको ये चीज भी पता होगी, ये पर्सन आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है, एट द सेम टाइम इसके अंदर कुछ नेगेटिविटीज हैं, जैसे एंगर इशू, गुस्सा इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आता है, इनसिक्योरिटी इसके मन में बहुत ज्यादा रहती है, जो चीज इसकी है वो ये किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, ये चीज इसके अंदर रहती है, ठीक है, ये जो भी पर्सन जो आप पर नजर रख रहे हैं, एंड यू नो इनका जो नेचर है वो डोमिनेटिंग भी हो सकता है या फिर इस तरीके का नेचर हो सकता है कि आप मेरी बात मानिए, ठीक है, ये क्योंकि अपने आप को एक तरीके से रूलर समझते हैं, ये समझते हैं कि एक एम्परर है, तो जो भी इनकी लाइफ में रह रहा है, इनके साथ रह रहा है, उनको इनकी बातें माननी चाहिए, ऐसा इनका मानना है, तो ये यू नो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये चीजें इनके अंदर नेगेटिव है। डेविल का कार्ड ये दिखा रहा है कि कुछ चीजें इनके अंदर नेगेटिव है, जैसे एंगर इशू, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, अगर इस तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो वो डेफिनेटली वही पर्सन है जो आप पर नजर रखे हुए है, ओके, ऐसा भी नजर आ रहा है कि अगर आप इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके के कनेक्शन में रहे हो, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप इनके साथ लव कनेक्शन में ही रहे हो, आप इनके साथ किसी भी कनेक्शन में रहे हो, लेकिन एक समय के बाद आपके कनेक्शन में यानी कि आपके और इस पर्सन के बीच में यू नो टावर मोमेंट भी आया है, यानी कि आपका जो भी रिश्ता था इस व्यक्ति के साथ, कोई भी हो सकता है गाइस, ये यहाँ पर मैं लव कनेक्शन की स्पेशली बात नहीं करूंगी, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि कौन नजर रख रहा है, सो मैं उसकी आपको एक तरीके से जानकारी दूंगी ताकि आप रिलेट कर पाए। तो आपका इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ, जो भी कनेक्शन रहा हो, जिस भी तरीके की आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग रही हो, लेकिन एक समय के बाद आपने इस कनेक्शन में यू नो एक टावर मोमेंट को फेस किया है, जहां पर इस व्यक्ति से आपकी बनना बिल्कुल बंद हो गई थी, बातचीत आई गेस बंद हो गई थी, ठीक है, यहां पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि उसके पहले तक आप लोग काफी इंजॉय करते रहे हो, काफी सेलिब्रेट आप दोनों ने एक साथ किया है, ठीक है, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो काफी अच्छी थी, अगर आप लोग दो बेस्ट फ्रेंड्स हो तो आपकी जो फ्रेंडशिप थी बहुत जबरदस्त थी, बेस्ट फ्रेंड्स थे आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी आपके अंदर, कब आप लोगों के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लेकिन किसी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से आपके कनेक्शन में टावर मूवमेंट आया है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन फ्रेंड्स हैं, आप दो फ्रेंड्स बहुत क्लोज थे, ठीक है, कोई तीसरा आ गया और आपके जो फ्रेंडशिप थी उसमें टावर मूवमेंट आया है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपका इस व्यक्ति के साथ कोई लव कनेक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से टावर मूवमेंट हुआ है, और अगर आप लोग अच्छे फ्रेंड्स हो, ठीक है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हो या फिर आपका कोई और कनेक्शन है, तो भी आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया था जिसने आपको या फिर उस व्यक्ति को, ठीक है, इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि आपके कनेक्शन में आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में टावर आए हैं, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सो यही इंसान रहे हैं जिनके साथ
आप लोग कनेक्शन में बहुत अच्छे कनेक्शन में रहे हो, काफी इंजॉय किया है, काफी सेलिब्रेट किया है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, लेकिन ज्यादा समय तक कनेक्शन चला नहीं, उसके बाद टावर मूवमेंट आ गया, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो अनकंडीशनल लव आपसे करता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, आपके साथ सही समय का इंतजार करता है। ये वही इंसान है जो आप पर नजर रख रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, इनफैक्ट मैं कहूँ अनकंडीशनल लव करता है। इसके दिल में बहुत भर भर के आपके लिए प्यार है, ठीक है। हो सकता है कि ये शो कम करता हो, एम्परर का कार्ड ये दिखा रहे कि हो सकता है एक्सप्रेसिव कम हो, लेकिन यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि लव बहुत ज्यादा अनकंडीशनल है, और ये पर्सन आपके साथ डिवाइन टाइमिंग का वेट करता है कि आप लोगों का रियूनियन हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लव लाइफ में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो आपको अनकंडीशनल लव ऑफर में देना चाहते हैं, जो आपको खोना नहीं चाहते, जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि आपका और इनका कनेक्शन इस टावर मूवमेंट के बाद दोबारा से बने, ठीक है। जो इस कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये वो पर्सन है गाइस जिनके साथ आप एक अच्छा समय बिता चुके हो, लेकिन समय बीतने के बाद यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसके बाद अब फिर से वही पर्सन है ये जो वेट कर रहे हैं कि आपका और इनका ये जो कनेक्शन है वो दोबारा से स्टार्ट हो, ठीक है। सही समय का ये इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड दिखा रहे हैं कि ये वो पर्सन है जिनके लिए आपको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है। ये वो पर्सन है गाइस जो आप पर नजर रख रहे हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जिनके लिए आपको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। काफी मिच्योर इंसान था, आपके साथ चीटिंग करके चला गया या फिर आपको धोखा देकर चला गया, और आप जिसके लिए ये बोलते हो बार बार डिवाइन से कि मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। ये वही पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं, आप पर नजर रखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये पूरी तरीके से आप पर नजर रखे हुए हैं, ठीक है। जिसने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है गाइस, ओके, जिसने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि आप में से बहुत सारे लोगों के इंट्यूशंस, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के इंट्यूशंस ही आपको ये चीज बताते हैं कि कौन है जो आप पर नजर रख रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग तो ये बात जानते हैं ऑलरेडी कि कौन सा इंसान है जो आप पर नजर रख रहा है, जस्ट आप रीडिंग देखने के लिए आए हो, लेकिन आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, आपके मन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा इंसान है जो आप पर नजर रख रहा है और कौन आप पर नजर रख सकता है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। इसके अलावा गाइस ये वो इंसान है जिसके साथ आप बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर चुके हो, ठीक है। 1 साल से ज्यादा आप इस व्यक्ति के साथ रह चुके हो, चाहे आप फ्रेंडशिप में रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी लव कनेक्शन में रहे हो, लेकिन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं ये वही इंसान है जिसके साथ आप एक साइकिल में रह चुके हो, ठीक है, जिसके साथ आप एक अच्छा खासा समय बिता चुके हो, एक इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि एक अच्छा खासा समय आप इनके साथ बिता चुके हो, ठीक है, और आपने काफी कुछ इस साइकिल में एक्सपीरियंस किया है, अच्छा बुरा, ठीक है। तो ये वही इंसान है जो आपकी लाइफ में आए थे और जिनके साथ आपने एक अच्छा बुरा मतलब हर तरीके का टाइम स्पेंड किया है, काफी कुछ एक्सपीरियंस आपने इनके साथ किया है, आप इन्हें बखूबी जानते हैं, ये आपकी लाइफ का हिस्सा रह चुके हैं, चाहे ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी क्यों ना हो गाइस, ठीक है। एक वही पर्सन है, वर्ल्ड का कार्ड ये दिखा रहे कि हो सकता है कि आपने इनके साथ बाहर घूमा भी हो, मस्ती भी की हो, ठीक है, आपने इनके साथ इंजॉय भी किया हो, जैसे सेलिब्रेशन की एनर्जी भी थी, आप इनके साथ डेट भी किए हो सकते हो, ठीक है, किसी जगह पर घूमने भी गए हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वर्ल्ड के कार्ड से, ठीक है। तो वही पर्सन है गाइस जो आप पर नजर रखे हुए हैं, ये वही पर्सन है जो आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दोबारा से यही दिखा रहा है कि वही पर्सन है जिनके साथ आप
पहले भी समय बिता चुके हो, पहले भी एक अच्छे कनेक्शन में रह चुके हो और ये पर्सन आपके साथ दोबारा न्यू बिगनिंग चाहते हैं, दोबारा न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आप इन्हें बखूबी जानते हो गाइस, जो भी पर्सन आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं आप इनको बखूबी जानते हो, ठीक है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि आप उन्हें अपनी विश मानते हो गाइस, जो पर्सन आपको यू नो स्टॉक कर रहे हैं वो आपको अपनी विशेस मानते हैं और आप उनको अपनी विशेस मानते हो, आपको भी अपनी विशेस अधूरी लगती हैं उनके बिना, उनको भी अपनी विशेस अधूरी लगती हैं आपके बिना। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि सॉरी गाइस, तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी कंप्लीट विश मानते हो, ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस जो हम कहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में रहते हैं तो आप काफी खुश रहोगे, ठीक है, और यही सेम चीज इस पर्सन को भी लगती है। तो ये वही पर्सन है गाइस, ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, ये वही पर्सन है जिनके जिनके लिए आप डिवाइन से काफी ज्यादा प्रे करते हो, जिनके लिए आप डिवाइन के सामने जाते हो, जिनके लिए आप बोलते हो डिवाइन से कि आपके साथ जो भी हुआ है उसके लिए जजमेंट दें, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हो, ठीक है। ये वही पर्सन है जिसके लिए आप डिवाइन के क्लोज गए हो, जिसकी वजह से आप डिवाइन के क्लोज गए हो, जिसकी वजह से आपने डिवाइन पर फेथ बनाना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आपको डिवाइन पर भरोसा होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट तो रहते थे पास्ट में लेकिन इतने ज्यादा डिवोटी नहीं थे, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद आपकी जो भक्ति है वो डिवाइन के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये वही पर्सन है जो आपको डिवाइन से मिलाए हैं, इसका मतलब ये है कि ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं उसके बाद आप डिवाइन के काफी क्लोज गए हो, ठीक है। तो मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कौन है आपकी लाइफ में जो इन सारी यू नो जितनी भी चीजें मैंने बताई इन सारी चीजों से मैच करता है, इतने सारे गुणों से मैच करता है, इतने सारे यू नो उसके अंदर चीजें हैं, तो आपको ये चीज पता होगी। मुझे यहाँ पर जो जो दिखाई दिया है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो गाइज, इस रीडिंग को करते हैं हम यहीं पर खत्म, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।